हेलो एवरीवन वेलकम टू मिश्राज मिश्रा चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सेट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है एक स्टेट की तरफ से सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी हुई है और 11 अगस्त 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी ओपन हो गई है अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट मैं यहां पर आपको बता दू की सेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है नेट नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराई जाने वाली एलिजिबिलिटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नेट पास आप अगर करते हैं क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो किसी भी स्टेट के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन डालने के लिए बट सेट एग्ज़ामिनेशन में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जिस स्टेट से सेट एग्जाम क्वालीफाई करते हैं सिर्फ उसी स्टेट के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे उस स्टेट में स्टैब्लिश किए हुए कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट में फिर भी सेट बुरा नहीं है क्योंकि आप किसी खास स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां की सेट आपने पास कर ली तो आप उसके बेसिस पर वहाँ के कॉलेजेस में उस स्टेट के क्या कॉलेजेस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए लेक्चरर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं सपोज नेट की स्टैंडर्ड थोड़ी हाई होती है उसकी जो एग्जामिनेशन लेवल होती है हो, थोड़ी टफ होती है तो आप इतने बीच में सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके रख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल हम कवर करते हैं तो हम बात करें एपी सेट की एपी सेट नोटिफिकेशन जारी की गई है फोर्थ ऑगस्ट 2021 को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कमेंस होगी इलेवन ऑगस्ट 2021 को मीन्स आज से और लास्ट डेट है थर्टीन सेप्टेम्बर 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट लेट फी और अगर आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी आप बाद में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे कुछ दिनों तक एप्लीकेशन फी के साथ में लेट फी भी आपको भरनी होगी तो ये एपी सेट क्या है एपी सेट है आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन पर पहले आप क्लिक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर सकते हैं सब्जेक्ट्स पर तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे फिर सब्जेक्ट्स चेक करेंगे अभी मैं आपको बताऊं जैसे आप बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं आप चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपियर हो वहाँ की एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहें तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है तो कौन कौन से मीडियम में पेपर आएंगे आपके सब्जेक्ट अवेलेबल अगर है तो कौन कौन से मीडियम में एग्जामिनेशन होगी अगर आप उस मीडियम से लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे चलिए पहले देखते हैं नोटिफिकेशन जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप एपी पी से अपियर हो सकते हैं वो है एंथ्रोपोलॉजी कोड भी दीवीए सब्जेक्ट की हिस्ट्री केमिकल साइंस कॉमर्स कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स एजुकेशन इंग्लिश अर्थ एट्मास्फेरिक ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस एनवायरमेंटल साइंस ज्योग्रफी हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लॉ लाइफ साइंसेज लाइब्ररी एंड इंफर्मेशन सैंस मैनेजमेंट मैथमेटिकल साइंसेज फिजिकल साइंसेज फिजिकल एजुकेशन फिलासफी पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्कृत सोशियोलॉजी सोशल वर्क तेलुगू उर्दू विजुअल आर्ट अब यहाँ पर देखें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर वन विच इज कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट अपियरिंग एपी सेट विल बी बाई लिंगल इंग्लिश एंड तेलुग्यू पेपर टू तो पेपर वन होगी और पेपर टू फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉमर्स इकोनॉमिक्स एजुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी विल बी बाय इंग्लिश एंड तेलुगू ऑल द रिमेनिंग पेपर आर इन इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी संस्कृत तेलुगु एंड उर्दू तो इतने पेपर्स हैं वो इंग्लिश और तेलगु में होंगे बाकी सभी पेपर इंग्लिश में होंगे एक्सेप्ट हिंदी संस्कृत तेलुगु एंड उर्दू तो बेसिकली अगर आप बाहर से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में अगर कम्फर्टेबल हैं इंग्लिश मीडियम से तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं बाहर से भी हालांकि हिंदी संस्कृत और उर्दू और तेलुगु के लिए मेन जो लैंग्वेज है हिंदी वही रहेगी मेन संस्कृत तेलुगु या उर्दू ही रहेगी अब इसमें पेपर की स्कीम अच्छी तरीके से दी हुई है एग्जाम सेंटर्स आंध्र प्रदेश के ही कुछ सेंटर्स हैं विशाखापटनम राजामुंद्री गुंटूर नेल्लोर अनंतपुर तिरुपति कपड़पा कड़, एंड कुरनूल तो ये आठ सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही है देखते हैं एक बार इसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 55 परसेंट मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री तो जिन्होंने मास्टर्स डिग्री में 55 प्रतिशत मार्क्स स्कोर किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी से तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकेंगे और बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए फाइव परसेंट की रिलैक्सेशन है तो वो आप एक बार चेक कर ले सकते हैं कैंडिडेट आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हैव अपियर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट तो जो अभी परस्यू कर रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं या एक एक है या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए लेकिन रिजल्ट नहीं आया ऐसे सारे केसेज में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे लेकिन सेट एग्जामिनेशन पास होने के बाद विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कुछ वक्त दिया गया उसके वक्त बीच अंदर ही आपको मास्टर्स डिग्री की सर्टिफिकेट क्लियर करनी होगी ये यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट में मैंशनड है सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देर मास्टर डिग्री और रिक्यूवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो दो साल के अंदर आपको मास्टर्स डिग्री की सर्टिफिकेट देनी होगी अगर आप अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में है या फिर एग्जाम की रिजल्ट नहीं आई है नोटिफिकेशन uh, मेरे फिलहाल मेरे uh, लैपटॉप पर डाउनलोड नहीं हो पा रही है ठीक से तो आप इसको डाउनलोड करके देख लें इसमें आपको एप्लीकेशन फी अच्छी तरीके से नजर आने वाली है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपके स्टेट से भी अगर सेट स्टेट एलिजिबिलिटी uh, टेस्ट या सेट की या स्लेट की नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर ही अपडेटेड मिलेंगी आप सभी को बेस्ट विशेष थैंक यू वेरी मच